आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लौकी का रायता, रायते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए हमें मैंने आधा किलो लौकी ली है, जिसको हमने छील के धो के रख लिया है। अब मैं इसको इस तरह से कर लेंगे। लौकी का रायता बहुत फ़ायदेमंद है, गर्मियों में तो ये बहुत ही फ़ायदा देता है। जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बीमारों के लिए आप बनाएं, उनको दें, उनको बहुत फ़ायदा करेगा। आम लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जो बीमारों के लिए बनता है उसमें नमक मिर्च का ख्याल रखते हैं, बाकी चटपटा बनाएं आप इसको, सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार रायता बनेगा। अभी मैं इसको कद्दूकस कर रही हूँ। इसको हम इस तरह सबको कद्दूकस कर लेंगे। हमने इसको कद्दूकस कर लिया है, अब हम इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे। पानी डाला है, अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और कद्दूकस की हुई लौकी डाल देंगे और बॉयल होने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। कवर कर देंगे। लौकी बॉयल हो चुकी है, अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे। व्यूअर्स, हमारी लौकी बॉयल हो चुकी है, हमने इसको इसका पानी निकाल के इसको निचोड़ के रख लिया है। आधा किलो हमने दही लिया, इसको मिक्स करके फेंट कर रख लिया है। 1 मीडियम साइज़ प्याज लिए जो बारीक बारीक काट लिए, 4 हरी मिर्चें लिए जो बारीक बारीक काट ली है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जो बारीक बारीक काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया गार्निशिंग के लिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 1 टीस्पून नमक हम और ऐड करेंगे। हमने 1 टीस्पून नमक लौकी में भी डाला था, 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, ये मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च है। अब इसमें लौकी डालेंगे, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे, हरी मिर्चें भी डाल देंगे और प्याज भी डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। जो डाइटिंग कर हैं वो इसको ऐसे ही सर्व करें, जो बीमार हैं वो भी ऐसे ही सर्व कर लें, वरना इसमें तड़का भी लगता है जीरे और लहसुन का। जो हमने दही बचाया था वो हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला भी डालेंगे। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया भी डालेंगे। रायता तैयार है, आप भी ज़रूर बनाएं, गर्मियों में ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही ठंडा हो, बहुत ही बेहतरीन है, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप बनाएं और सबको खिलाएं, सबको बहुत अच्छा लगेगा। लौकी वैसे बच्चे बहुत कम खाते हैं, लेकिन ये रायता सब खा लेते हैं। आप ज़रूर बनाएं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाया करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।